हेलो गाइस, हीरो न्यूज़ के एक नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला अपडेट है मार्वल की तरफ से कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि डेडपुल 2 आर रेटर कंफर्म ऐसे बोला गया था, बट अभी ये कंफर्म हो चुका है कि डेडपुल आर रेटर ही रहेगा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। और नेक्स्ट ये है कि डेडपुल 2 के जो स्टारकास्ट में जो डोमिनो प्ले किए थे एक्टर्स को, वापस शायद हमको एमसीयू में दिखने के चांसेस है, क्योंकि उन्होंने खुद रिक्वेस्ट किया है कि वो आए के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के डेडपूल के डोमिनो रोल के लिए वो दिखना चाहती है करके। नेक्स्ट अपडेट मार्वल कॉमिक्स की तरफ से कि बहुत सारे नए कॉमिक्स लॉन्च होने वाले हैं। द अर्थ माइटियस्ट हीरो एवेंजर्स, मार्टूडस, द स्टार वॉर्स अलायंस, द किंग थॉर, द अमेजिंग मैरी जेन और द इमोर्टल हल्क। मैं जैसे ही ये कॉमिक रिलीज़ होगा तो आपको ज़रूर अपडेट दूंगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। नेक्स्ट अपडेट है डिस्नी प्लस के सीरीज़ के द फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में। इसमें हमको क्रिस एवेंस दिखने वाले हैं, शायद से ये रूमर है कि ओल्ड मतलब बुढ़े हुए स्टीव रॉजर्स के रोल पे शायद 2 एपिसोड में दिखने वाले सैम विल्सन और बकी बार्न्स को मतलब प्लान या कुछ मॉरल एडवाइस देने के लिए। ये चीज़ कंफर्म नहीं है, बट अगर ऐसा होगा तो इवनली बहुत लोग देखने में वाले ही है, तो पता लग ही जाएगा जब रिलीज़ होगा। नेक्स्ट अपडेट भी फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर से ही है। येलिना बिलोवल जो ब्लैक विडो और एमिल ब्लॉन्स की इनक्रेडिबल हल्क में जो दिखे थे वो शायद कैमियो करेंगे इस सीरीज़ में। अगर आपको पता नहीं तो अबोमिनेशन एमी बॉल्स का इन्हें किया था। और गाइस, नेक्स्ट अपडेट है डिस्नी की तरफ से, ये मार्वल नहीं सी नहीं बस डिस्नी की तरफ से, ये है कि वो लियो एंड स्टिच का एक लाइव एक्शन मूवी या सीरीज़ निकालने का प्लान कर रहे हैं। ये अभी तक कंफर्म नहीं होने हुआ है कि वो मूवी है क्या सीरीज़ है, बट शायद ये मूवी होगा। और गाइस, नेक्स्ट अपडेट मार्वल डीसी दोनों की तरफ से है, दोनों मिला के मैं बोल रहा हूँ कि एक फ़ैन ने रैन रेनोल्स को ट्वीट किया था कि जोकर मूवी के रेफरेंसेस डेडपुल 3 में दिखेंगे क्या। तो रैन रेनोल्स ने वो आर रेटर बॉक्स ऑफिस को कंग्रेचुलेट करते हुए, जोकर की मूवी को कंग्रेचुलेट करते हुए उन्होंने एक फ़ोटो डाला है जिसमें डेडपुल, नियो, पेनी वाइज, जीसस, ह्यूज जैकमैन, द वुल्फ पैक, मिस्टर ग्रे और टेड, इन सब के एक नाम लिख के उसके ऊपर हार्ट साइन दिया है। शायद ये सब रेफरेंसेस हमको दिखने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने डेडपुल 2 देखी है तो उन्होंने डीसी का यूज़ तो किया ही है, बैटमैन का प्रोसेज करते हुए और डार्क वर्ल्ड का प्रोसेज करते हुए, और जब इवन द कॉपीराइट थानोस का उन्होंने यूज़ किया था, क्योंकि केबल और थानोस एक ही है अगर आपने कास्ट लिस्ट पढ़ी रहेगी तो। और गाइस, नेक्स्ट अपडेट है ब्लैक विडो की मूवी से कि ये हमको अभी पता लग रहा है कि जो ब्लैक विडो की जो फ्रेंचाइजी है वो बस मतलब एक सोलो फ्रेंचाइजी होगी बस ब्लैक विडो के लिए। तो ब्लैक विडो की ये मूवी के बाद शायद हमको ब्लैक विडो 2 और 3 दिखने वाले हैं, बट वो शायद एमसीयू के पार्ट नहीं रहेंगे, मतलब एमसीयू के पार्ट रहेंगे बट या प्रीक्वल या कुछ उनके स्टोरी रिलेटेड ही रहेंगे। बट क्योंकि हमको पता है नताशा मर चुकी है, तो गाइस समझ गए, मतलब एक बेसिक मूवमेंट जैसे करने वाले ही है। और गाइस, यही था अपडेट इस हीरो न्यूज़ के एपिसोड के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और गाइस शेयर कीजिए वीडियो और कमेंट करके बताइए कि आपको अगला वीडियो का टॉपिक किस चीज़ में चाहिए। आप कमेंट भी नहीं कर रहे हो और इवन मैं बनाऊंगा बट आप देखोगे तो मतलब नहीं बनेगा, तो प्लीज़ गाइस कमेंट कीजिए और बताइए कि किस वीडियो पे मैं बनाऊँ, किस टॉपिक में बनाऊँ, कौन सा कॉमिक आप देखना चाहते हो, किसका ओरिजिन आप देखना चाहते हो, किसका एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो, प्लीज़ बताइए। आपसे कल मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, पीस आउट वर्ल्ड।